बहुत बहुत धन्यवाद गुरु। आज फिर असी 26 जुलाई 2019 बिच सुबह सवेर असी इत्थे हाँ और असी अज अफसियां दी पत्री उसका चार बाप और उसकी छे आयत नूं असी ला रहे हैं और लिखा है इको परमेश्वर अते पिता सबना दा है जेड़ा सबना दे उते सबना दे विच अते सबना दे अंदर है। अज तीन पॉइंट ने कि एक ही परमेश्वर जेड़ा सबना दे उते सबना दे विच और सबना दे अंदर है। तो असीं देखते हाँ कि जदों पुराने नेम दे अंदर यहोवा परमेश्वर मूसा दे नाल चल रहा सी और वो उन्हां दे ऊपर चल रहा सी किवें जदों वो सिनाई दे इलाके विच चल रहे सन और यहोवा परमेश्वर अग दा खंबा जां बदल बन के उन्हां दे ऊपर जा रहे चल रहा सी उन्हां नूं चला रहा सी उन्हां ऊपरों वेख रहा सी। उस वक्त नबी भी जद गल करदे सन यहोवा परमेश्वर नाल और वो ऊपर तां नूं मूँह करके उहदे नाल गल करदे सन वो विश्वास करदे सन कि साडा यहोवा ऊपर है साडा परमेश्वर ऊपर है। मेरे भाई भैनों मैं दसना चाहुंदा कि इसराइल जदों भी कदे दुआ करदे ने ते वो अखां चुक के ऊपर नूं वेख के गल्लां करदे ने क्योंकि विश्वास करदे कि यहोवा ऊपर है। पर जदों असी नवे नेम के अंदर ये देखते हाँ यूहन्ना 3:13 के अंदर तो लिखा स्वर्ग नूं कोई नहीं चढ़िया बल्कि वो जिहड़ा स्वर्ग तो उतरिया अर्थात मनुख का पुत्र। सानू ये आयत दसदी है कि साडा परमेश्वर स्वर्ग तो थले आया है। हालेलुया। और वो थले आके मनुख बनया और उसने मरियम तो जिस्म नू लिया और असी देखते हाँ कि जदों वो जिस्म विच आ चुकया सी और बैतलहम दे उपर दूत घूम रहे सन दूत बैतलहम दे उपर घूम रहे सन और लूका 2:14 च लिखा कि दूतां ने रल के आसमान विच प्रभु की वडाई की क्योंकि वो जिस्म विच आया हुण विच आया हुण दुनिया दे विच आया। हालेलुया। ओही परमेश्वर जिहड़ा कदे सभना दे उपर सी वो हुण सभना दे विच आया। सभना दे विच क्यों आया मनुख बनया की करन दे लई वो असल च तीन चीज़ां नूं जितण वास्ते आया नफरत मौत अते शैतान नूं जितण वास्ते साडा प्रभु आया। प्रभु बहुत वड्डी बरकत दवे। तो असी देखते हाँ कि उन्हें 33.5 साल दुनिया दे विच गुजारे यरूशलेम च घूमया और बैतलहम और असी देखते हाँ कि सारे लागे इलाके च घूमया। मैं दसना चाहुंदा कि मैनू एक भूख प्यास सी कि यीशु मसीह जिथे जिथे घूमया है मैं वो जगह देखा
तो मैं प्रभु अगे बेनती की थी, प्रभु मैनु यरूशलेम विखा दो, और उसने मैनु यरूशलेम विखाया। मैं यीशु की कब्र विच वड़ के देखा, मैं उस जगह दे उत्ते गया जिथों यीशु मसीह ऊपर उठाया गया। प्रभु ढेर सारी बरकत दवे। अजीजो, मैं दसना चाहता हाँ कि जदों वो 33 साल साढ़े 33 साल इस दुनिया दे विच सी और उसने मुरदिआं नूं जिउंदे कीता, उसने अन्नां दी अखां नूं खोलिया, उसने गूंगियां दी जुबान नूं खोलिया और उसने हदरंगियां नूं कहा, बेटा तेरे पाप माफ होए, अपनी मंजी चुक ते अपने घर चला जा। वो उदो अपने चेलियां दे नाल धरती दे उत्ते घूम रहा सी। हालेलुया, पहला उपर सी पुराने नेम दे विच, नवे नेम दे अंदर उहनां दे नाल सी, क्योंकि वचन बयान करता है कि इको परमेश्वर अते पिता सभना दा है, जिहड़ा सभना दे उत्ते अते सभना दे विच अते सभना दे अंदर है। हुण असीं देखदे हाँ कि उहने सभना दे उपर रह के नबियां दे नाल गल की और उन्होंने सभना दे विच हो के रसूलों दे नाल गल कीती। और असी देखते हैं कि पौलुस कहिंदा असी नबियां अते रसूलों दी नीह उत्ते बने हाँ जिहदे खूंजे दा पत्थर मसीह यीशु आप है। और असी वेखांगे जदों साडे नाल सी, जदों दुनिया दे विच सी, जदों वो नफरत नूं जित रहा सी ते कह रहा सी अपने अपने गुआंढी नूं अपने जिहा प्यार कर, जदों उमत्ती दी अंजील उसका 5वां अध्याय और उसकी 11 आयत विच कह रहा सी, धन हो तुसी जां मनुख मेरे कारण तुहानू बोलियां मारनगे अते झूठ मूठ गल्लां तुहाडे उत्ते लाउणगे, आनंद होवो खुशी करो क्यों जो तुहाडा फल स्वर्ग विच बहुत है। होर बहुत सारे काम जिहड़े मैं तुहानू दस सकदा हाँ कि उह सलीब दित्ता गया। मैं 1.5 घंटा उस कलवरी दे उत्ते घूमदा रहा जिते मेरा यीशु सलीब दित्ता गया, मर गया और दब गया। हुण असीं देखदे हाँ कि उसने शैतान नूं मत्ती 4 अध्याय विच जित्या, उसने नफरत नूं उदों ताकर भी जित लिया जदों सलीब दे उत्ते सी और उसनूं सलीब चाढ़न वाले सलीब दे थले आ के खलू की तान मूँह करके कह रहे सी, जे तू हुण सलीब तो उतर आवें तो असी तेनों कबूल कर लवेंगे। पर सुनो यीशु मसीह ने की कहा, उन्हें कहा हे पिता इन्हां नूं माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते जो असी की कर रहे हैं। वो नफरत नूं जित्तण वास्ते आया। प्रभु बहुत वड्डी बरकत दवे। हुण उसने कब्र नूं जितना सी, हुण उसने कब्र नूं जितना सी, मौत नूं जितना सी और मौत दे जितण दे लई उसने बाइबल दे विच 7 वारी ये गल कही और वह हुण मैं 7 हवाले ते नहीं देने चाहुंदा, पर मैं लूका 9:22 देनी चाहुंदा। और उत्थे लिखिया लूका 9:22 विच, बिको असी यरूशलेम नूं जांदे हाँ और उत्थे मैं
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਰਾਜੀ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸਦਾ 27 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਸਦੀ 51 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਤ ਸਨ ਔਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ! ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਸਦੀ 8 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਹੂਦੀਆ, ਸਾਮਰੀਆ, ਸਗੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਈਦੇ 35 ਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ! ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਭਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਔਰ ਅਨੋਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਸੇਵਕ, ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੂਲ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਮਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਆਮੇਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮੇਨ।